हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यू रियल ब्यूटी चैनल। फ्रेंड्स, गर्मियों का मौसम और ऊपर से पड़ने वाली सूरज की किरणें हमारे शरीर की सबसे बड़ी दुश्मन होती हैं। हम घर से बाहर जाते हैं तो यह तेज़ धूप हमारे शरीर को झुलसा देती है और शरीर का खुला हुआ हिस्सा काला और लाल पड़ जाता है। हम चाहे दुपट्टा, तौलिया आदि से चेहरा या शरीर को ढक लें, लेकिन फिर भी इसका असर हमारे शरीर पर पड़ ही जाता है। हमारा शरीर इस तेज़ धूप की चपेट में आ ही जाता है। सूरज से निकलने वाली किरणें पराबैंगनी किरणें होती हैं, जो शरीर में बहुत ही गहरा असर डालती हैं। आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताने वाली हूँ, जिसको यदि आप घर से बाहर निकलने से पहले अपने शरीर के खुले हुए भागों पर लगा लेंगी तो सूरज की जो किरणों का प्रभाव है वो आपके शरीर पर नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं इसमें ब्यूटी और हेल्थ से जुड़े वीडियोस लाती रहती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं इस नुस्खे को हमें किस तरह से बनाना है। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता होगी वह है आलू का रस। आलू के रस में दोस्तों स्टार्च पाया जाता है, जो हमारे शरीर के ऊपर एक पतली सा सुरक्षा कवच बना देता है, जो सूरज की किरणों से हमारे शरीर को बचाता है। एलोवेरा जेल, यह जेल शरीर की गर्मी को मेंटेन रखता है और शरीर में ठंडक पहुंचाकर शरीर को गर्म नहीं होने देता है। नींबू का रस, नींबू के रस में एंटीऑक्सीडेंट गुण होने के कारण यह त्वचा की चमक को बरकरार रखता है और उसे काला भी नहीं पड़ने देता है। बादाम का तेल, बादाम का तेल त्वचा के लिए भरपूर मात्रा में विटामिन ई पहुंचाता है, जो त्वचा के पोषण को बरकरार रखता है और सूरज की किरणों का प्रभाव भी कम कर देता है। फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए 2 बड़े चम्मच आलू के रस को एक कटोरी में लेकर उसमें 1 बड़ा चम्मच एलोवेरा जेल मिक्स करना है और चम्मच से तब तक चलाना है जब तक कि एलोवेरा जेल आलू के रस में अच्छे से मिक्स ना हो जाए। अब इसमें पूरा 1 नींबू का रस और 1 छोटा चम्मच बादाम का तेल मिक्स कर देना है और इसको 2 से 3 मिनट तक के लिए और अच्छे से चलाना है। जब ये अच्छे से मिलकर एक अच्छा मिश्रण बन जाए तब आपको 1 cc में इसे भर करके रख लेना है। अब जब भी आप घर से बाहर जाएं, इस मिश्रण को हाथों में लेकर अपने शरीर के खुले एरिया में लगा लें। इससे सूरज की किरणों का आपके शरीर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।